आप देख रहे हैं अंतिम बाजी, मैं हूं दीपाली राणा और सुबह से ही मार्केट एक कंसोलिडेशन के फेज में और एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। शुरुआत हालांकि काफी स्ट्रांग हुई थी, 7950 के ऊपर इंडियन मार्केट्स ओपन हुए थे, लेकिन अब 7936 के लेवल्स पर निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिखी है निफ्टी बैंक में, 2% से ज्यादा के मूव के साथ इंडेक्स अभी भी दिन के उच्चतम स्तरों पर है और सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स ने आज एक लीड ली है। लेकिन आज का अब तक का पूरा एक्शन क्या रहा है, जानने के लिए सीधे चलते हैं वीरेंद्र के पास बाजार अब तक में। अगर आप देखें दीपाली, सुबह से अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में हम स्टार्ट तो किया था, हमने स्टार्ट तो किया, देखिए उसका कैपिटलाइज नहीं कर पाया, थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन एटलीस्ट 7930 7920 इस ट्रेजेक्टरी को हमने अब तक मेंटेन रखा है, उसको सरेंडर नहीं किया डिसाइसिवली, और सारा का सारा जो क्रेडिट जाता है वो जाता है निफ्टी बैंक को। लेकिन अगर आप देखें बाजार सुस्त है, लेकिन बैंकिंग शेयर्स जो है, बैंकिंग स्टॉक्स अगर आप देखें, कुछ देर पहले इंडसइंड बैंक के नतीजे भी आए, हालांकि स्ट्रीट के बिल्कुल मुताबिक थे, काउंटर थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, फिर समझने की कोशिश करी, लेकिन बैंकिंग आज इस पूरे बाजार की थीम है जो इस वक्त सबसे ज्यादा चल रही है। निफ्टी बैंक को देखिए क्या शानदार ब्रेकआउट दिया इसने। दूसरे मैदान पर आप देखिए सरकारी कंपनियों में आज भारी तेजी, आज जी बिजनेस का सेक्टर ऑफ द डे था पीएसयू स्टॉक्स, आज हमने इनफैक्ट 8 बजे इसी सेक्टर पर चर्चा की थी, सारे के सारे स्टॉक्स 5-7-6% का बड़ा स्विंग लेकर इस पर कारोबार कर रहे हैं। उसके बाद तीसरे पायदान पर जिस चीज पर बात करूंगा मैं, वो है इक्विटास की धमाकेदार लिस्टिंग। एक बार फिर से अगर आप देखें कुछ कमजोर लिस्टिंग्स के बाद इस लिस्टिंग ने, और स्पेशली अगर आप देखें माइक्रो फाइनेंस कारोबार वाली इस कंपनी की लिस्टिंग ने, एक डेफिनेटली नया बस क्रिएट कर दिया है इनिशियल पब्लिक ऑफर मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में। उसके बाद अगर आप देखें चौथे पायदान पर जो चीज देखूंगा इस आईपीओ से बाहर निकल के, वो है एनर्जी और साथ ही साथ फार्मा, ज्वेलरी शेयर में आज काफी अच्छी खरीदारी है। सुबह ही इनफैक्ट एक बड़ी खबर आई थी कि ज्वेलर्स को एक बड़ी राहत देने के लिए सरकार कोशिश करेगी, वो ज्वेलर्स जो कि एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए अगर आप देखिए ड्यूटी फ्री जो सोना है वो उपलब्ध करा के। और आखिरी जिस चीज़ को मैं आज कंसिडर करूंगा वो है आईटी और सीमेंट, ये आज बैकफुट पे खड़े हैं। विप्रो का बाई बैक प्राइस, आई थिंक उनकी गाइडेंस उनके नंबर्स स्ट्रीट को पसंद नहीं आए, टीसीएस बैकफुट पे आया, विप्रो बैकफुट पे आया, और अपने साथ इस दौर के सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर्स इन्फोसिस जिसने पोस्ट किए थे उनको भी बैकफुट पे ले आया दीपाली। बिल्कुल, तो ये अब तक का एक्शन बताया वीरेंद्र ने, लेकिन सिलेक्टिव पॉकेट से जो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करी, ये कुछ शेयर्स रहेंगे जिन पर हम अंतिम बाजी के दौरान चर्चा करेंगे। क्विटास होल्डिंग आज स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग हुई है, लेकिन अब आपके अप्रोच क्या होना चाहिए, आईसीआईसी बैंक, कैनरा बैंक, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। इनफैक्ट पंकज जैन भी हमारे साथ मौजूद है, उनके कॉमेंट्स ले लेते हैं। पंकज गुड आफ्टरनून, पहले बैंकिंग से ही शुरुआत करते हैं। अच्छा रनअप आज देखा गया है पीएसयू और प्राइवेट दोनों ही बैंक्स में, लेकिन क्या ये मूव आपको सस्टेनेबल लग रहा है? गुड आफ्टरनून दीपाली, आई थिंक दैट्स अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन। क्या ये जो मूव आया है, जो आरबीआई ने कदम उठाया है, कुछ एक कॉरपोरेट्स जिसके अंदर जेपी और भूषण के सब्सिडी इंक्लूडेड हैं, उनको फॉर द टाइम बीइंग प्रोविजंस के लिए बैंक को मंजूरी दी है कि उन पर प्रोविजंस ना की जाए एंड एनपीए से बाहर रखा जाए। और उसके अंदर हमने देखा था जो सबसे बड़े दिग्गज बैंक्स हैं, आईसीआईसी बैंक हैं, एक्सिस बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिनका बड़ा एक्सपोजर इन ग्रुप्स के साथ है, उनको एक पॉजिटिव मूव देखने को मिला है। नाउ इट इज़ टू बी सीन कि किस तरह से क्वार्टर फोर रिजल्ट्स आते हैं। मेरा ये मानना है कि ये जो पीएसयू बैंक्स में मूव देखने को मिला, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, आई थिंक इस मूव को यूज़ करना चाहिए उन इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, जो जिन्होंने नीचे में इनका माल इकट्ठा किया, एंड आई थिंक दे कुड बुक टेम्पररी प्रॉफिट्स, क्योंकि मेरे को लगता है क्वार्टर फोर रिजल्ट्स अभी भी इस मूव के बावजूद भी एक दबाव में देखने को मिलेंगे। बट ऑल इन ऑल एक चीज़ बिल्कुल पक्की बात है कि जिस तरह से मार्केट में मोमेंटम चल रहा है, 7950 आई थिंक इट्स जस्ट टेम्पररी फिनोमिना कि मार्केट उसको ब्रेकअवे करता है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि डॉ जोन्स द मदर ऑफ ऑल मार्केट इज जस्ट एट अ किसिंग डिस्टेंस फ्रॉम इट्स ऑल टाइम लाइफ टाइम हाई, 250 पॉइंट उससे दूर है, एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो लेवल्स पार करते हैं, और हमारा लेवल्स भी मेरे को लगता है कि 8000 के पार हो जाना चाहिए। जय इस बीच बाजार के दो और वरिष्ठ विशेषज्ञ हमारे से जुड़े हैं बात करने के लिए, मिस्टर आनंद टंडन और साथ ही साथ मिस्टर दीपन मेहता हमारे साथ इस खास डिस्कशन में हैं। दीपन, पहला सवाल आपसे यहाँ पे, आप देखिए अब 8000 के बेहद नज़दीक बाजार, और आई मीन बीते अगर आप देखें एक महीने में या फिर स्पेशली 20 दिनों में एक चीज़ अच्छी रही है, एक डिसअपॉइंटमेंट के साथ साथ एक बड़ा सिग्निफिकेंट पॉजिटिव फैक्टर बाजार के साथ जुड़ जाता है। इन्फोसिस ने डिलीवर किया, टीसीएस से थोड़ा सा मायूसी बाजार को हाथ लगी, विप्रो से थोड़ी सी मायूसी हाथ लगी, जो मॉनसून के प्रोजेक्शन थे वो काफी अच्छे खासे रहे, और आज बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। आपको क्या लग रहा है एग्जैक्टली ये जो शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म अप्रोच जो लग रही है आपको मार्केट्स को लेकर, वो क्या लग रही है दीपन जी? आई थिंक मार्केट्स की जो धारा है वो अच्छी है, आई थिंक मार्केट्स शुड डू वेरी वेल ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और सो। जो आपने कहा मॉनसून एक फैक्टर है, इंटरेस्ट रेट्स भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, एंड सो फार आई थिंक अर्निंग सीजन से भी अच्छे आंकड़े आए हैं सो फार,
और आगे चलते भी आई थिंक ये ठीक ठाक रहेगा अर्निंग सीजन. सो ऑन द होल आई थिंक जब तक जो ग्लोबल मार्केट्स में और कोई इश्यूज नहीं आते हैं, वहाँ पर कोई अगर क्राइसिस नहीं आती है, तो आई थिंक वी शुड ग्रेजुअली बिल्ड ऑन द गेन्स विच वी हैव सीन ओवर द पास्ट वन मंथ और सो, एंड आई थिंक नेक्स्ट 3 months लुक वेरी गुड फॉर आवर इक्विटीज हियर. जी, आनंद टंडन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं. मिस्टर टंडन, गुड आफ्टरनून. मैं बैंकिंग पर ही एक कमेंट आपका लूंगी, क्योंकि अब जो न्यूज फ्लो है मार्केट में कि आरबीआई ने उन फर्म्स के लिस्ट को ट्रिम किया है जिनके लोन्स प्रोविजन करने थे, और इसीलिए हमने देखा भी है कि पीएसयू बैंक्स और फिर प्राइवेट बैंक्स को जोरदार उछाल देखा जा रहा है. क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट भी आई जिसमें उन्होंने कहा कि प्राइवेट बैंक्स में प्रिसाइसली आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक ही बेनिफिशियरी रह सकते हैं, क्योंकि इनके कॉर्पोरेट लेंडिंग की जो पोर्टफोलियो है वो काफी बड़ा है. लेकिन कितना बड़ा रिलीफ आप इन्हें मानते हैं बैंकिंग स्पेस के लिए, और जो मूव दिख रहा है दो सेशन से इस पूरे ही स्पेस में, वो कितना सस्टेनेबल लग रहा है? देखिए, मूव काफी तगड़ा है, तो मोमेंटम इसको ले जाके थोड़ा सा और आगे कर सकता है. लेकिन कुछ बैंकों को छोड़कर ज्यादातर बैंक को उतना फायदा नहीं होगा जितना शायद इस मूव से उम्मीद है. आईसीआईसीआई बैंक डेफिनेटली इससे काफ़ी फ़ायदे में है, क्योंकि जेपी एसोसिएट्स एक बहुत बड़ा अकाउंट था उनके लिए जो कि उन्होंने एनपीए क्लासिफाई नहीं किया था, और ये डर था कि इस तिमाही में उनको करना पड़ेगा. और उससे जो है, आप जो आज का मूव देख रहे हैं वो मेरे हिसाब से ज़्यादातर उसी के कारण है. और एक और दिन अगर इस तरह का हो गया तो मेरे हिसाब से वो पूरा एडजस्टमेंट हो जाता है. तो इसके बाद यहाँ पर जैसे एक दो दिन और शायद आपको इस तरह की तेजी नजर आए बैंक में, उसके बाद वो इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल. दीपन, एग्जैक्टली आप ये बात कहने में कितने आश्वस्त हैं और कितना आपको कंफर्ट मिल रहा है कि Q4 नंबर्स के साथ एटलीस्ट वो फियर जो सरकारी बैंकों को लेकर था कि भाई क्या होगा यहाँ पर, SBI ने इसी फियर के बीच में Q3 नंबर्स के बीच में 147 करोड़ लगाया था. नाउ दिस स्टॉक इज कोटिंग 195. द वर्स्ट इज ओवर for PSU banks, especially for the dedicated PSU banks, Q4 numbers के साथ ये क्या कहने का comfort आप जुटा पाएंगे? जी हाँ, I think जो RBI की जो recent announcement है और at least the relaxation which they have given, कुछ banks को जरूर फायदा होगा, but this is an end of the day temporary. End of the day, I think the problem accounts, you know, they'll have to really deliver consistently going forward, and that is a bit unknown. So I think mildly positive for the banks, but आज अगर देखेंगे तो काफ़ी कर investor का जो पैसा है वो private sector banks में लगा हुआ है, जैसे कि IndusInd Bank है, Yes Bank है, या फिर Kotak के HDFC. So the recent RBI relaxation doesn't affect these banks as much, and जो private sector banks है they are impacted more by overall economic trends, pickup in credit growth, as well as you know how the retail credit is growing, whether they are having NPAs over there in retail or SME. So unke jo variables hai wo kafi alag hai as far as PSUs are concerned, or definitely I think because of this RBI announcement some amount of benefit will come to PSU banks, but I don't think it's much for investors to shift their preference from private sector banks to public sector banks. जी, इसके अलावा एक बार विप्रो को देख लेते हैं. विप्रो के जो अर्निंग्स हैं वो स्ट्रीट को पसंद नहीं आए हैं, और अब दिन के निचले स्तरों पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है. हालांकि अर्निंग से ठीक पहले कल काफी चल रहा था ये स्टॉक, और 1-3% की जो गाइडेंस दी है मैनेजमेंट ने वो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग रही है. लेकिन मिस्टर टंडन, TCS, विप्रो, इन्फोसिस तीनों के ही अर्निंग्स आप देख चुके हैं, क्या अर्निंग्स को देखने के बाद कंफर्ट अभी भी इन्फोसिस के साथ ही आ रहा है, भले चाहे वो अपने हाइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है? जो गाइडेंस है वो थोड़ी सी उम्मीद के से बेहतर थी. विप्रो की उतनी अच्छी नहीं आई है, TCS की ठीक ठाक है. वैल्यूएशन के हिसाब से अभी फ़िलहाल ये थोड़े से एक्सपेंसिव हो गए हैं स्टॉक्स, लेकिन अभी भी अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट TCS, इन्फोसिस, शायद टेक महिंद्रा और परसिस्टेंट टाइप्स कंपनीज आपको पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए. अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अपने क्लाइंट्स को आप लोगों ने क्या इंप्लीमेंट कराया है? मिड कैप में आप देखिए रोज बरोज एक थीम आ रही है. आज सुबह हमने इनफैक्ट एक सेक्टर ऑफ द डे पकड़ा था, वो था आज सरकारी कंपनियों को, और आप देखिए सुबह जिस जिस स्टॉक का जिस जिस तरीके से जिक्र किया था ठीक उसी पैटर्न में. लेट्स टेक फर्स्ट स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन. आज सुबह इनफैक्ट ये पहला स्टॉक जिसका जिक्र किया था हमने, अभी भी डे हाई पे 7.5% ऊपर. आप REC को देखिए, स्ट्रॉन्ग मूव. ड्रेजिंग कॉरपोरेशन, स्ट्रॉन्ग मूव. इनमें काफी स्ट्रॉन्ग मूव है. आई थिंक एक स्टॉक चेन्नई पेट्रो, ये भी अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है. आई थिंक रोज बरोज एक थीम जुड़ जाती है बाजार में. अभी अपने क्लाइंट्स को आप लोगों ने क्या राय दिलाई है, किन किन स्टॉक्स को स्पेशली मिड कैप्स में चेज कर रहे हैं आप?
जिस तरह से सेक्टर रोटेशन चल रही है मिड कैप में, खासतौर से स्मॉल कैप में, अगर हम देख रहे हैं जिस तरह से मार्केट में एक मूवमेंट देखने को मिला है, एक मोमेंटम दोबारा से जनरेट हो रहा है, एंड आई थिंक द स्टोरी लाइज मच बियॉन्ड निफ्टी. अगर हम निफ्टी और सेंसेक्स के बियॉन्ड देखें, जिस तरह के मूवमेंट्स पर्टिकुलर सेक्टर के पर्टिकुलर स्टॉक्स में पर्टिकुलर दिन पे देखने को मिल रही है, वी आर गेटिंग एनी वे इफ यू डाइस इज लोडेड राइट 5-10% मुनाफा कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में पर्टिकुलर दिन पे मिल रहा है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेज कि आज कौन सा सेक्टर चलेगा. बट उस चीज को बहुत ज्यादा महत्व ना देते हुए, आई थिंक यू गॉट टू स्टे विद द राइट क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स, इट मे बी मिड कैप स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक और लार्ज कैप स्टॉक्स. और उस थीम के अंदर हमारा मानना है कि जिस तरह से सीमेंट की थीम उभर के आई है, स्टॉक्स काफ़ी चले हैं, बट हमारा ये मानना है कि वर्ष 2016 में ये थीम चलती रहेगी. जिस तरह से मोस्ट ऑफ द सीमेंट स्टॉक्स दे बीन रनिंग देयर प्लांट एट 70-80% कैपेसिटी, और जिस तरह से अब हम देख रहे हैं खासतौर से सदर्न स्टेट्स में जिस तरह से डिमांड आ रही है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, आई थिंक ये 70-80% अगर 90% तक हो जाती है तो काफ़ी अच्छा इनको एक बार्गेनिंग पावर देखने को मिल सकती है. अभी तक वॉल्यूम गेम इनमें चल रहा है, बट एक प्राइसिंग गेम इनके हाथ में नहीं आया, वो मेरे को लगता है कि अगले 1-2 क्वार्टर में आ सकते. तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए स्टॉक्स लाइक डेक्कन सीमेंट, सागर सीमेंट, अगर हम लार्ज कैप में बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम, आई थिंक दिस थीम वुड कैरी ऑन, ये प्ले करती रहेगी. उसके अलावा शुगर एज अ थीम, ठीक है थोड़ी सी करेक्शन आई है, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो कि एक जो राइस चल रहा है शुगर प्राइसेस में उस पर थोड़ा सा दबाव है, बट आई थिंक इट्स अ टेम्पररी फिनोमेना. अगर ग्लोबल इफेक्ट देखें, आई थिंक शुगर एज अ थीम इन स्पाइट ऑफ काइंड ऑफ रन अप वी हैव सीन, ये थीम चलती रहेगी. उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस, पीएसयू बैंकिंग स्पेस में मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं जाके दबाव आ सकता है. प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस मेरे को लगता है कि अभी भी चलता रहेगा, और उसमें मेरे को लगता है कि रिजल्ट्स रिसेंटली देखने को मिल सकते हैं. इंडसइंड बैंक के भी रिजल्ट्स आए हैं, काफी डिसेंट रिजल्ट है. सो दिस इज एज अ थीम. मारुति एज अ थीम, आई थिंक ऑटोमोबाइल, टू व्हीलर ऑटोमोबाइल एज अ थीम मेरे को लगता है कि एक अच्छी थीम है. सो दीज आर सम ऑफ द थीम्स व्हिच वी हैव बीन रिकमेंडिंग टू आवर क्लाइंट्स. जी, तो पंकज जी ने काफी सारे स्टॉक से काफी सारे सेक्टर्स रिकमेंड कर दिए. चाहते भी कि उनसे दोबारा क्वेश्चन पूछा जाए. उन्होंने ऑटो, सीमेंट, शुगर, सभी से काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स इनफैक्ट बताए हैं. लेकिन अब सुमित बगड़े भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं. सुमित, गुड आफ्टरनून. इंडेक्स पर भी आउटलुक क्या है? निफ्टी पर कोई ट्रेड इनिशिएट करेंगे आज, पोजीशन कैरी करेंगे कल के लिए? गुड आफ्टरनून दीपाली. वेल, देखिए मार्केट तेजी में बना हुआ है, ऊपरी लेवल से दबाव जरूर देखने को मिला है, बट अभी तक कोई बड़ी मंदी के संकेत नहीं मिले हैं. आई थिंक इंट्राडे बेसिस पे 7900 जब तक ब्रेक नहीं करे तब तक एक बार भी लोअर लेवल्स पे सेल इनिशिएट करने से फायदा नहीं होगा. और दूसरी तरफ बैंक निफ्टी ने बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है, उसके चलते निफ्टी गिर नहीं रहा है. आई थिंक एक बार बाय में ही बने रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 1-2 दिनों में निफ्टी 8000 का स्तर तोड़े और 8100-8200 के लेवल्स दिखाए. जब तक 7850 का लेवल नीचे में ब्रेक नहीं करता है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, मैं डिप्स में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा निफ्टी के अंदर फॉर अ टारगेट ऑफ 8000 एंड अबव दैट 8100 लेवल्स. दीपक जी, इस बार के पुलबैक में और इस तेजी में, जो सबसे ज्यादा सस्टेनेबल पुलबैक हमने देखा, हालांकि जिस पर विश्वास बाजार को ना के बराबर था, वो था मेटल्स. लुक एट टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, मिड कैप में भी अगर आप देखें शानदार मूव मिले हैं. आप मैं मेटल्स की बात कर रहा हूँ, फेरस, नॉन फेरस दोनों में डाली, और इनफैक्ट मैं बात यहाँ पर क्रूड की भी करना चाहूँगा. इस मेटल्स की और इनफैक्ट कमोडिटीज की पुलबैक स्टोरी में अब आपको क्या लगता है यहाँ पर, कि नहीं अभी भी अपने लॉन्ग ट्रेड्स को कायम रखिए, अभी पैसा और बनना बाकी है, या फिर आपको लगता है कि नहीं ट्रेडर्स शुड कन्वर्ट देयर प्रॉफिट्स इनटू कैश? आपकी अप्रोच क्या होगी इन स्टॉक्स पे? देखिए, अच्छा ट्रेडिंग मोमेंटम है फेरस, नॉन फेरस मेटल स्टॉक्स में, एंड मे बी दिस मोमेंटम कैन टेक दी स्टॉक्स अहेड ऑल्सो. शायद इस क्वार्टर, अगली तिमाही, ये क्वार्टर नहीं तो अगली तिमाही के जो क्वार्टरली नंबर्स आएंगे वो भी शायद अच्छे आएंगे फॉर अ लॉट ऑफ फेरस, नॉन फेरस मेटल्स. And there's no denying the fact that from the extremely low level, commodity prices have bounced back. But अगर आप उनके long term fundamentals देखेंगे, जैसे आगे चलते 2-3 साल के fundamentals देखेंगे, तो they don't look that attractive. और price है वो stabilize हो जाएगा, they will not get much benefit of a price increases maybe a year, 2 years down the line. And there is not that much demand because imports also play a big role in metals, ferrous as well as non-ferrous. So while short term, it may look that they may have some more trading bounce. जी. But for investors and long term investors especially, I don't think these stocks should be attracted. You should be attracted to these stocks. जी, चलिए इसके अलावा कुछ एक earnings की बात कर लेते हैं. और Supreme Industries अभी नतीजे आए थोड़ी देर पहले, और उन्हीं numbers पर बातचीत करने के लिए कंपनी के MD Mr. MP तापड़िया हमारे साथ मौजूद हैं. अर्निंग्स आपके स्क्रीन पर, जहां पर प्रॉफिट 11.5-12% के आसपास ग्रो हुए हैं. और अगर रेवेन्यू फिगर को देखें तो रेवेन्यूज इस क्वार्टर में सुप्रीम इंडस्ट्रीज के करीब करीब 4% के आसपास की इम्प्रूवमेंट दिखी है. मिस्टर तापड़िया, गुड आफ्टरनून.
मैं मार्जिन्स पर आपके कमेंट लेना चाहूंगी. इस क्वार्टर में मार्जिन्स कैसे रहे हों, प्रसाइसली प्लास्टिक बिजनेस जहां से मेजर कंट्रीब्यूशन आता है, वहां के मार्जिन्स में इस बार भी इम्प्रूवमेंट दिखिए, जो कि ट्रेंड हमने बीते कुछ क्वार्टर्स में देखा भी है. हेलो हेलो मिस्टर तापड़िया, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए, आप बताइए. मिस्टर तापड़िया, गुड आफ्टरनून. मार्जिन्स इस क्वार्टर में कैसे रहे हैं प्रसाइसली प्लास्टिक बिजनेस में? हमारी मार्जिन थर्ड क्वार्टर में अच्छी रही है कंपेयर टू लास्ट ईयर वाज 13.79% और ये क्वार्टर में मार्जिन रही है 17.75%. ये कुछ हमको नीचे भागे रॉ मटेरियल पड़े थे उनके कारण फायदा मिल गया. उसे पूरे 9 महीने की हमारी मार्जिन लास्ट ईयर के 11.99% सामने 15.71% हुई है. कपड़े साहब, एग्जैक्टली जो पॉलीमर प्राइसेस हैं जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि नेक्स्ट क्वार्टर के जो मार्जिन्स है उसमें उसको लेकर क्या आउटलुक है कंसीडरिंग द प्राइसेस ऑफ पॉलीमर राइट नाउ. क्वार्टर नहीं बोलूंगा पर पूरे साल का हमें लगता है कि दिस ईयर द ऑपरेटिंग मार्जिन शुड बी बिटवीन 14-14.5%. क्वार्टर में तो रॉ मटेरियल दाम घटते भी है, कहीं बढ़ते भी है. ये पिछले 9 महीने में भी कई बार राम के दाम गिरे थे और वापस बढ़े थे. राम के प्राइस तो वोलेटाइल रहने वाले हैं. वी बिलीव राम के जो दाम है ओवरऑल नीचे रहने वाले हैं और वी विल आल्सो बी आवर एडिंग मोर वैल्यू एडेड आइटम. हमारी ऑपरेटिंग मार्जिन बेटर रहेगी. जी चलिए, शुक्रिया मिस्टर तापड़िया, समय दिया आपने जी बिजनेस को बातचीत की. तो अर्निंग्स ठीक रहे हैं, मार्जिन्स प्रोसेसली का प्लास्टिक बिजनेस में जिस तरह से कहा इंप्रूव हुए हैं और ये मोमेंटम आने वाले क्वार्टर्स में भी मेंटेन करेगी कंपनी. स्टॉक हालांकि फ्लैट विद अ नेगेटिव बासा ट्रेड कर रहा है, करीब 1 रुपए के आसपास की कमजोरी देखी जा रही है. इनफैक्ट पंकज, हाल ही में कई सारी ऐसी छोटी कंपनियां हैं जिनके अर्निंग्स आए हैं, उनमें आप डीसीबी बैंक को प्लेस कर सकते हैं, गोवा कार्बन को प्लेस कर सकते हैं, सुप्रीम पेट्रो. इंपॉर्टेंट यह है कि इन स्टॉक्स में जब अर्निंग्स आए, अच्छे अर्निंग्स आए, उससे पहले ही खरीदारी दिखने लगी थी और उसके बाद भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ एक्शन रहा है इन स्टॉक्स में. अभी भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखी जा रही है लेकिन बहुत नीचे नहीं आए ये स्टॉक. एग्जैक्टली अप्रोच क्या है आपकी इन शेयरों पर, सुप्रीम पेट्रो हुआ, गोवा कार्बन हुआ, डीसीबी बैंक हुआ? दीपाली, ये तीन नाम लिए, इसमें से आई थिंक डीसीबी बैंक इज वन स्टॉक विच वी एक्टिवली ट्रैक और इसमें हम देख रहे थे 70-75 रुपए में रिजल्ट्स आने से पहले काफ़ी अच्छी सीरियस एक्यूमुलेशन प्लाटू फॉर्मेशन स्टॉक में देखने को मिल रही थी. और अगर पिछले तिमाही जिस रिजल्ट्स के बाद इसमें हमने एक सीरियस डिस्ट्रक्शन स्टॉक में देखी थी, आई थिंक देर वॉज नथिंग रॉन्ग विद द रिजल्ट एज सच. जो कंपनी का एक बयान आया था, बैंक का बयान आया था कि वो आने वाले 1-1.5 साल में इस तरह एक्सपेंशन करेंगे, नई ब्रांचेस खोलेंगे और उस पर जो वो खर्चा करने वाले, आई थिंक दैट इज वॉट मार्केट डिडंट लाइक. और मेरे को लगता है कि मार्केट ने जो एक डिस्ट्रक्शन का दौर है कुछ ज्यादा एक्सटेंड कर दिया था और जिस तरह के इस क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं, आई थिंक रिजल्ट्स हैव बीन प्रीटी फाइन. और हम देख रहे हैं कि जो अच्छे प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसके अंदर डीसीबी बैंक भी एक उभरता हुआ अच्छा बैंक है, इंडसइंड बैंक हुआ, येस बैंक हुआ, जिनका रिटेल एक्सपोजर ज्यादा है, जो स्ट्रेस सेक्टर्स हैंगे, स्टील सेक्टर हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर हुए, हाईवेज हुए, कंस्ट्रक्शन हुए, रियल एस्टेट हुए, इनमें एक्सपोजर इनका काफी कम है. एंड जहां पर रिटेल एक्सपोजर ज्यादा है, आई थिंक द स्टॉक्स और द बैंक्स हैव बीन डूइंग वेल. तो डीसीबी मेरा मानना है कि जिस तरह से उभर के आया 70-75 रुपए से करंट वैल्यूएशन से, आज थोड़ी बहुत इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बट एट एनी लेवल्स क्लोजर टू 90, आई थिंक एनीवेयर बिटवीन 87 एंड 92, आई थिंक इट बिकम अ डिसेंट बाय. और मेरे को लगता है कि इसमें भी काफी कैचिंग अप हो सकती है और आने वाले वक्त में, आने वाले एक तिमाही में, अगले तिमाही के रिजल्ट से पहले मेरे को लगता है कि 115 से 120 जाने की क्षमता रखता है. जी एग्जैक्टली मिस्टर टर्नन, अगर आप देखें जो मैट ने टिप्पणी करी है अभी तापमान को लेकर, मानसून के फिगर्स तो ठीक है, LTA से लगभग 105-106%, लेकिन इस बार तापमान बहुत बहुत ऊपर जाने की, अगर आप देखें लॉन्ग टर्म एवरेज से भी 1-2-3 डिग्री ऊपर रहेगा. ये सडनली अगर आप देखें वाइब्रेंसी बढ़ा रहा है पूरे के पूरे कंज्यूमर ड्रिवन स्पेस में. जो कंपनियां कूलर बनाती हैं, फैंस, एग्जॉस्ट फैन, ACs, अभी सर आपका कॉन्फिडेंस कंज्यूमर ड्रिवन्स में, वाइट गुड्स में कितना है और क्या Q1, Q2 के अच्छे अर्निंग्स के पर्सपेक्टिव से आप यहाँ कुछ बाइंग करना चाहेंगे? क्षेत्र जरूर अच्छा है लेकिन अब काफ़ी महंगा हो चुका है. अभी क्या है कि कंज्यूमर क्षेत्र में ऑलरेडी दर इज पतंजलि और बाकी डिफेंसेस में, फार्मा में दर इज FDA, तो अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं लोगों को खरीदने के लिए, इसलिए सब लोग आके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आके बैठ गए हैं. और इसके साथ साथ गाड़ियाँ तो खैर बिकी रही हैं, तो अगर ये पे कमीशन का पेमेंट आता है तो इसमें थोड़ा सा खरीदारी बरकरार रहेगी और इसी हिसाब से स्टॉक भी चढ़ सकते हैं. लेकिन बाय एंड लार्ज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के भी क्षेत्र में अब काफी महंगी स्टॉक काफी महंगे हो चुके हैं. जी इस बीच पावर स्पेस के दो स्टॉक्स काफी स्ट्रॉन्ग मूव कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स में भी काफी एक्टिव है, तो PFC और दूसरा REC, दोनों में ही 4-5% के गेन्स अभी भी देखे जा रहे हैं.
सुमित, इन दोनों स्टॉक्स पर क्या करेंगे आप? दिन के उच्चतम स्तरों पर ही ये स्टॉक अभी ट्रेड करें, अच्छा खासा मूव आज के सेशन में दिखा भी है। अभी अगर किसी ट्रेडर ने लॉन्ग पोजीशंस बनाई इन दोनों ही शेयरों पर तो क्या होल्ड रखें या फिर प्रॉफिट्स लेकर निकल आए? आई थिंक दीपाली, ओवरऑल ये स्टॉक्स में एक लोअर लेवल से रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है। लॉन्गर टर्म होराइजन के लिए तो तेजी नहीं बोल सकते, बट शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल एक बार पोजीशन को होल्ड रखा जा सकता है। स्पेसिफिकली अगर पीएफसी की बात करेंगे तो पीएफसी ने पिछले 15 से 20 दिनों का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज दिखाया है। अगर ये 174-175 के ऊपर आज क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो ये स्टॉक के अंदर 185-186 के लेवल्स हमको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक पीएफसी को फिलहाल एक बार होल्ड करके चलना चाहिए। पीएफसी में अभी तक वीकनेस देखने को नहीं मिली है और ऊपरी लेवल से कोई दबाव भी बड़ा देखने को नहीं मिल रहा है, तो जब तक ये स्टॉक अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन रख रहा है और 174-175 के ऊपर आज की क्लोजिंग दे देता है तो 180 से 185 के लेवल्स हमको दो तीन दिनों में ही देखने को मिल सकते हैं, तो पीएफसी पे होल्ड की सलाह रहेगी। जहां तक आरईसी का सवाल है, आई थिंक आरईसी के अंदर इट्स बेटर टू बुक प्रॉफिट एंड एग्जिट द पोजीशन जिन्होंने लोअर लेवल्स पे लेके रखा हुआ है, और अगर किसी ने ऊपरी लेवल पे लिया हुआ है तो उनको 155 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके होल्ड कर सकते हैं। अगर पुलबैक मिलता है तो निकलने की सलाह होगी। जी, इस पे थोड़ा सा नजर डालते हैं कि जो टॉप ट्रेडेड काउंटर्स हैं वहां पर क्या इस वक्त हो रहा है। मोस्ट एक्टिव बाय वॉल्यूम्स इक्विटास होल्डिंग्स लगभग इस वक्त भी 23% ऊपर कारोबार कर रहा है और लगभग 135-125 तो अच्छी लिस्टिंग, लेकिन सत्र के अंतिम छोर में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। उसका देखिए आप एमटेक ऑटो, ये छोटा स्टॉक आज थोड़ा सा कैपिटलाइज करता हुआ। फिर जिन स्टॉक्स में अच्छा मूव है, प्री कॉल करीब 6.5% ऊपर, जे एंड के बैंक, श्रेय इंफ्रा को देखिए करीब 4% ऊपर 63.90 के स्तर पर, कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज इसमें अच्छा खासा मूव है, और फिर एचटी मीडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये कुछ स्टॉक जहां पर तेजी है। लेकिन मैं थोड़ा सा ध्यान जो है अपना जरा एक बार के लिए एफएमसीजी में लेके जाना चाहूंगा। आईटीसी को देखते हैं, एचयूएल को देखते हैं, और स्पेशली अगर आप देखें दो स्टॉक्स में और देखना चाहूंगा, गोदरेज कंज्यूमर और एक मैरिको, इनमें क्या रुझान है इस वक्त? एचयूएल मैरिको 3.5 रुपये ऊपर है, ब्रिटानिया बैकफुट पे, आईटीसी बैकफुट पे है। फिर अगर आप गोदरेज कंज्यूमर को देखें तो वहाँ पे एक छोटा सा ट्रेडिंग गेन मिल रहा है आज, हालांकि स्टॉक ने बीते अगर आप 1.5 महीने की प्राइस परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी काबिल तारीफ मूव दिया है। दीपन, आपकी राय क्या होगी इस वक्त एफएमसीजी में, और अगर आप कंफर्टेबल हैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करने में तो विद इन द मिड कैप एफएमसीजी स्पेस आपके पसंदीदा स्टॉक्स कौन से इस वक्त? जी, हमारा व्यू एफएमसीजी पर काफ़ी पॉजिटिव है, स्पेशली इंडियन एफएमसीजी कंपनीज, और अगर मॉनसून अच्छा आता है तो दे हैव मेड लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन रूरल सेक्टर ओवर द लास्ट सेवरल इयर्स एंड दे शुड स्टार्ट पेइंग ऑफ एंड वी कुड सी इम्प्रूवमेंट इन देयर टॉप लाइन एज वेल। अब तक आप देखेंगे तो इंडियन एफएमसीजी कंपनीज को रॉ मटेरियल का फ़ायदा हुआ है, इतना ज़्यादा टॉप लाइन का फ़ायदा नहीं हुआ है, बट आगे चलते अगर इकोनॉमी सुधरती है, रूरल मार्केट्स अगर इम्प्रूव होते हैं, देन दे विल गेट बेनिफिट ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ एज वेल। Some of the Indian FMCG companies have also done very intelligent acquisitions abroad, which also are contributing positively to the numbers. So, per se, I think it's a very good sector for investors to be overweight in. And if you want some names with usual disclosure that we may have invested in them or our clients, then we're very positive on stocks like Britannia, Godrej Consumer, Dabur, Imami and Jyoti Laboratories. जी, मिस्टर टंडन, इन पूरी फाइनेंशियल स्पेस की अगर बात करें तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एक ऐसी पॉकेट रही है जिस पर ज्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स बुलिश रहे हैं, लेकिन मैं आज कमेंट लूंगी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज पर। आज एक नए लिस्टेड प्लेयर की एंट्री हुई है, इक्विटास होल्डिंग, जिसकी अच्छी खासी लिस्टिंग भी हुई। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस पॉकेट से, क्या इस नए प्लेयर को चुना जा सकता है, या फिर आपको लगता है कि जिन्होंने लीडरशिप ली है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ प्राइस अप्रिसिएशन, जैसे एसकेएस माइक्रो, उन्हीं के साथ अभी बने रहना चाहिए? देखिए, ये क्षेत्र जो है इसको ये ऑलरेडी बहुत ही हाई प्राइस्ड शेयर है। अगर आपने एसकेएस माइक्रो कहा, उसका वैल्यूएशन 5 टाइम बुक वैल्यू से ऊपर है, शायद मार्केट में सबसे महंगी फाइनेंस कंपनी होगी। तो आप सिर्फ इसलिए लोग उसको पसंद करते हैं क्योंकि उसका आरओई बहुत अच्छा दिखता है, और आरओई इसलिए अच्छा दिखता है क्योंकि एनपीए नहीं आते हैं। अब ये मेरा मानना ये है कि एक साइकिल में ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप पैसे बांट रहे हैं बिना किसी सिक्योरिटी के, आपका हमेशा 99.9% ही पैसे वापस आते रहेंगे और एनपीए नहीं होगा। और हमने देखा है कि पहले भी एक बार थोड़ा सा रेगुलेटरी चेंज होने के कारण इसमें कई हजार करोड़ का नुकसान हो चुका है, तो मार्केट इस वक्त वो रिस्क देखने को तैयार नहीं है। तो अगर आप मार्केट के हिसाब से जाएं, इक्विटास बहुत सस्ता है, रिलेटिव वैल्यूएशन काफ़ी सस्ती है, कंपनी भी छोटी है लेकिन उसमें देयरफॉर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क एडजस्टेड मोड में देखेंगे तो मेरा मानना यह है कि आपको थोड़े से ज़्यादा सिक्योर लेंडिंग में ही
भरोसा रखना चाहिए। और अगर कंज्यूमर फाइनेंस में आपको पैसे डालना है तो ये काफ़ी सारी NBFC और बैंक्स हैं जो यहाँ पे वैल्यूएशन जो है मार्केट लीडर माइक्रो फाइनेंस के माइक्रो लीडर से काफ़ी सस्ती मिल जाएगी। पंकज आपकी राय क्या है इसी स्पेस में? आई थिंक जो दिवाली ने प्रश्न पूछा अभी, चाहे मैं माइक्रो फाइनेंस कंपनी की बात करूँ, NBFCs की बात करूँ, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात करूँ, इनमें आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है इसमें? वीरेंद्र, एक तो इसमें पॉजिटिव इंटरेस्ट बना रहेगा। जिस तरह से हमने परफॉर्मेंस अगर हम देखें, चाहे वो इंडिया बुल हाउसिंग हो, LIC हाउसिंग हो, कैनफिन हाउसिंग हो, आई थिंक ट्रिमेंडसली स्टॉक्स ने बाय एंड लार्ज परफॉर्म किया है। अगर हम इक्विटास की बात करें, जिस तरह से आज स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग हुई थी, 17 टाइम्स IPO सब्सक्राइब हुआ था, रिलेटिव वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव हैंगी। अगर स्पेस में हम रिलेटिव वैल्यूएशन की बात करें, आई थिंक इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, अगले एक दो दिन में कहीं ना कहीं 130 और 140 के बीच में आई थिंक स्क्रिप्ट वुड सेटल डाउन। और जिस तरह से कंपनी का मैनेजमेंट है, काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, और जिस तरह से वैल्यूएशन है, जिस तरह से इनको स्मॉल बैंकिंग लाइसेंस मिला हुआ है, एंड दे स्प्रेड अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस में हो, रिटेल में हो, व्हीकल फाइनेंस में हो, हाउसिंग फाइनेंस में हो, आई थिंक स्टॉक शुड डू कैचिंग अप। और मेरे को लगता है कि जिस तरह के अभी करेक्शन आज देखने को मिली है, जिस तरह के आज एक जो एक पॉपअप गेम पे जो इंस्टीट्यूशंस या HNI एग्जिट करते हैं, आई थिंक एट लेवल्स क्लोजर टू 130 इट बिकम्स अ प्रीटी डिसेंट बाय फॉर अ मूव ऑफ 10-15% बियॉन्ड दैट इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। सो आई वुड बी अ बायर इन इक्विटास एट लेवल्स क्लोजर टू 130। जी, इसके अलावा अगर मार्केट्स को देखें तो एक डिप आया है और अब 7900 के लेवल को निफ्टी ब्रीच कर चुका है, 7899 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक स्टॉक जिसने इस सीरीज की शुरुआत से ही कंसिस्टेंट परफॉर्म किया वो था BHEL का, जहां पर आज एक करेक्शन देखी जा रही है। सुमित, एक अच्छा परफॉर्मर रहा है इस पूरी सीरीज के दौरान, कंसिस्टेंट मूव किया है, आज जो प्रॉफिट बुकिंग देख रही है, ये क्या और स्ट्रेच हो सकती है या फिर इस डिप को यूटिलाइज करेंगे लॉन्ग ट्रेड्स के लिए? नहीं दीपाली, आज जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है उसमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर ज्यादा देखने को मिल रहा है। आई थिंक अब एक बार फ्रेश बाइंग के लिए रुक जाना चाहिए। फ्रेश बाइंग अब अगर ये 134-135 के ऊपर जाता है तो ही इसमें इनिशिएट करनी चाहिए, अदरवाइज ये सेलिंग का प्रेशर बढ़ सकता है। और अगर ये सेलिंग का प्रेशर बढ़ा तो ये स्टॉक दोबारा से हमको 120 और हो सकता है 108 के लेवल आने वाले दिनों में दिखाएगा। आई थिंक फ्रेश बाय से बिल्कुल बचना चाहिए। और अगर जो लोगों ने नीचे के लेवल्स पे ले रखा है उनको एक लास्ट होप है 128 का ट्रेलिंग SL, 128 का ट्रेलिंग SL स्ट्रिक्टली लगा के रखना चाहिए, क्योंकि अगर उसके नीचे आ जाता है BHEL तो 120 और 108 के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। इसमें दीपिन जी, एग्जैक्टली मैं कुछ स्टॉक्स को लेकर बात करता हूँ, आई मीन जो कि ट्रबल में रहे हैं। ल्यूपिन सडनली अगर आप देखें USFDA के इशू के चलते एक बेहतरीन स्टॉक बैकफुट पे आ गया, डिसाइसिवली बैकफुट पे आ गया। सेम इज द केस विद द डॉक्टर एडीज, अब तक उस प्राइस शॉकर जोन से बाहर निकले नहीं हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी अच्छे स्टॉक्स को बुरे दौर में पिक करना है तो आई थिंक वो इसी जोन में पिक करना पड़ेगा। आई मीन डॉक्टर एडीज समवेयर अराउंड 3100 और ल्यूपिन करीब करीब 1400-1500 के आसपास। आप क्या रिस्क लेंगे इन जोन्स पे, इन स्टॉक्स को एक्युमुलेट करने का? नहीं, आई थिंक दैट देर आर स्टिल सम चैलेंजेस विद द विद सिलेक्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज, बट देन देर आर अदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑल्सो विच आर डूइंग प्रीटी वेल, एंड विद यूजुअल डिस्क्लोजर दैट वी मे हैव इन्वेस्टमेंट्स एंड एज डू आवर क्लाइंट्स, आवर प्रेफरेंस इज फॉर कंपनीज लाइक ऑरोबिंदो फार्मा एंड टोरेंट as well as Cadila. I think these three may seem to be outperformers within the sector. Or jaise ki Sun hai, Lupin hai, Ipca hai, Wockhardt hai, which have been impacted by USFDA, unko thoda unki thodi uncertainty certainly is there as to when these issues will get resolved. But long term fundamentals of the industry and these companies is very good, and if investors are prepared to wait out for a year or so, I think you would see them coming back onto the growth track. Lupin especially, I think, looks far more promising than some of the other stocks we spoke about, which have been impacted by USFDA action. इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को एक बार देख लेते हैं। 1% से ज्यादा के गेन्स के साथ BPCL, HPCL आज भी ट्रेड कर रहे हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है ये पूरा ही स्पेस। लेकिन मिस्टर टंडन, जिस तरह से क्रूड में हमने बीते कुछ सेशंस में काफी वॉलिटिलिटी देखी है, लोअर लेवल से काफी स्पर्ट आया भी है, 2016 के उच्चतम स्तरों पर क्रूड आ चुका है, इन पहले तो इन स्टॉक्स पर आपकी अप्रोच क्या रहेगी, अर्निंग्स कैसी रह सकती हैं, और क्या जो तेजी आनी थी वो आ चुकी है, यहाँ ठहर सकते हैं ये स्टॉक्स, या फिर जो विनिंग स्ट्रीक इन्होंने मेंटेन की है बीते 1-1.5 साल में वो अभी भी बनी रहेगी? देखिए, अभी इस तिमाही के तो नतीजे अच्छे आने चाहिए, क्योंकि कोई इन्वेंट्री लॉस नहीं है किसी को भी, और उसके साथ साथ दाम बढ़ चुके हैं फिलहाल कुछ दिनों से, और क्योंकि उन्होंने पहले से रॉ मटेरियल लिया होगा, इसलिए इस तिमाही में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे जाके ये देखना है कि कच्चे दाम कहाँ तक जा सकते हैं,
ऐसी कोई खास उम्मीद नज़र नहीं आ रही इस वक्त कि कच्चे तेलों के दाम बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकें या सस्टेन कर पाएँ, क्योंकि कुछ ना कुछ होता रहेगा जिससे प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता ही रहेगा। तो फिलहाल रिफाइनिंग थोड़ी सी बेहतर जगह है, हालांकि बेस इफेक्ट जो है वो इस साल के बाद निकल जाएगा। इस बीच आप ऑटो स्पेस में देखिए आज क्या हो रहा है। आज सुबह मारुति फ्रंट फुट पे था, लेकिन अभी अगर आप देखें 1% 2% सिर्फ 30 रुपये ही ऊपर रह गया है। बाकी अगर आप देखें कोई ऐसा खास स्टॉक है, टाटा मोटर्स लगभग 410 के स्तर पर, आई थिंक 410 के प्राइस पर 6 रुपये ऊपर, फरवरी से लेकर अब तक 280 से 410 यानी करीब करीब 280 से 380 लगभग 110 रुपये का, ये 130 रुपये का मूव। दीपन बड़ा अच्छा मूव, बड़ा डिसेंट मूव, और ये टेक्निकली कुछ इंपॉर्टेंट क्लस्टर्स में आ रहा है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस टाटा मोटर्स और अलॉन्ग विद टाटा मोटर्स डीवीआर कितना है दीपन इस वक्त, और अभी इन दोनों की प्रेजेंस आपके पोर्टफोलियो में रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? देखिए टाटा मोटर्स तो हमारे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी वी आर इन्वेस्टेड इन एंड सो आर क्लाइंट्स एज अ मैटर ऑफ डिस्क्लोजर, और जो उनके जीएलआर के नंबर्स आ रहे काफ़ी अच्छे नंबर्स आ रहे ग्लोबली, और उनका जो इम्पैक्ट था चाइना का, तो आई थिंक दैट ऑल्सो ग्रेजुअली इज गेटिंग फैक्टर एंड डिस्काउंटेड। वेरी न्यू मॉडल्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल फॉर जीएलआर, एंड आई थिंक लोकली ऑल्सो डोमेस्टिक ऑपरेशंस ऑल्सो विल स्टॉप ब्लीडिंग एंड स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली for Tata Motors. So I think a lot of variables going positive for Tata Motors, and this is one stock we feel that where there is scope for earnings also to grow and the price earning multiples to be slightly re-rated on the higher side. So it could be within the auto pack. I think Tata Motors certainly could be a stock which investors could consider favorably. But again, for long-term investments, I think short-term they may have some volatility, but over the next 2-3 years, the stock looks set for delivering very good set of very good numbers. Very good returns also for investors. जी, इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जो कि अपनी स्ट्रेंथ को अभी होल्ड कर रहे हैं, उनमें आप देखिए ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स को 16% ऊपर अभी ये शेयर ट्रेड कर रहा है 313 के लेवल्स पर। आज इसने अपने फ्रेश 52 वीक हाइज भी टच किए हैं 321 के। पंकज, ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स मैनेजमेंट की ओर से इस तरह के स्टेटमेंट्स आए भी हैं कि सीरियस डिमांड पिकअप के इंडिकेशन उन्हें मिलने शुरू हुए हैं, और ये स्टॉक इनफैक्ट ये पूरा ही स्पेस अगर हम देखें पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस, यहाँ पर काफी एक्शन बीते 1.5 महीने में रहा भी है, तो क्या इन स्टॉक्स को देखा जा सकता है नई खरीदारी के लिए? दीपाली, अभी थोड़ी देर पहले मैं इनके मैनेजमेंट का बयान देख रहा था, इंटरव्यू देख रहा था, दे वर साउंडिंग प्रीटी ऑप्टिमिस्टिक, काफ़ी पॉजिटिव नोट पे, ऑप्टिमिस्टिक नोट पे बात कर रहे थे, और एज अ स्पेस हम देख रहे हैं कि मिड कैप में मार्केट इज सर्चिंग फॉर आइडियाज़, और हम देख रहे हैं कि पावर स्पेस में, ट्रांसफॉर्मर स्पेस में जिस तरह की पॉजिटिविटी देखने को मिली है, जिस तरह के इनपुट्स डाटा पॉइंट्स देखने को मिले हैं, आई थिंक दिस इज़ वन स्पेस विच कुड कैरी ऑन, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेटर मैनेजमेंट कंपनी। तो मेरे को लगता है कि जिस तरह का स्ट्रॉन्ग अप मूव आया, मे बी सम काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग कुड क्रीप इन, बट All in all, I think as a theme, this theme should play on. जी, इस बीच कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं मिड कैप में, जिन स्टॉक्स में आज मूव है, कोल इंडिया लगभग 8 कोल इंडिया करीब आज के पे 8 रुपये ऊपर है, उसके बाद एलगी इक्विपमेंट से करीब करीब 7.5% ऊपर, अच्छी तेजी यहाँ पर, दीवीज लैब को देखिए यहाँ पर तेजी है, गेट वे हिस्ट्री पार्क्स फर्स्ट सॉल्यूशंस, ये कुछ स्टॉक्स और जहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा मूव है, और अगर आप देखें कुछ काबिल तारीफ मूव लिए हुए जो काउंटर्स कारोबार कर रहे हैं उसमें जेएनके बैंक, कावेरी सीट्स, ये अच्छा मूव दे रहा है। उसके बाद देखिए आप एक केपीआईटी टेक्नोलॉजीज 155 के स्तर पे 1% ऊपर है। इनफैक्ट आनंद जी, आई थिंक लार्ज कैप आईटी पे हम बात कर चुके हैं, सर ये मिड कैप आईटी में कोई शायद आप स्टॉक्स पे बात तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपका कंफर्ट है क्या इस वक्त? लार्ज कैप आईटी इन्फोसिस ने जो डिलीवर किया, जो बाजार का उस पर रिएक्शन था, जो टीसीएस ने किया, जो विप्रो ने किया, उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा सेकंड क्लास में आ जाऊं, मैं मिड कैप आईटी में आ जाऊं, वहां पे सर कॉन्फिडेंस आपका कितना है? बीते 6 महीने में साल भर में एक बार हेक्सावेयर आया, एक बार माइंडट्री आया, एक बार एक कोई और स्टॉक आके कैपिटलाइज कर गया, अच्छा मूव दे गया, आपका कॉन्फिडेंस मिड कैप आईटी में कितना है इस वक्त? देखिए मिड कैप में डेल्टा ज़्यादा रहता है, क्योंकि कोई भी एक ऑर्डर आ जाता है तो उसका परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा बेटर ट्रैक करना पड़ेगा मिड कैप में कि ऑर्डर बुक कैसी है या क्लाइंट बेस कैसा है। लेकिन अगर आप देखिए मिड कैप में एक और क्षेत्र ऐसा है आईटी में जहां पर काफ़ी रुचि रही है निवेशकों को, वो है प्रोडक्ट स्पेस। बहुत सारे आईटी प्रोडक्ट कंपनियां जो हैं अभी तक जो इग्नोर की जाती थी, वहां पर वैल्यू जो है काफ़ी हद तक लोगों को नज़र आने लगी है,
और मेरे मानना ये है कि कई प्रोडक्ट कंपनियों में अगले 2-3 साल में आपको वैल्यूएशन जो है यहाँ से काफ़ी ऊपर तक देखने को मिलेगा। जी सुमित, बैंकिंग से कोई ट्रेड लेना चाहेंगे, इनिशिएट करना चाहेंगे कल के पर्सपेक्टिव से, जहां पर पोजीशंस कैरी की जा सकती है, और बैंकिंग के साथ साथ एक और स्टॉक जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है वो है यूपीएल का, यहां आपकी स्ट्रेटेजी क्या, आपकी राय क्या रहेगी? देखिए दीपाली, बैंकिंग के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं और आज कई दिनों के बाद बैंकिंग स्टॉक्स ने एक बहुत अच्छा मूव दिया है जिसके अंदर स्टॉक्स ऑलमोस्ट 4-4, 5-5 टका, कुछ कुछ स्टॉक्स तो 6-6, 7-8 टका भी ऊपर है। आई थिंक अगर पीएसयू बैंक में अभी ऑन द स्पॉट अगर एक स्टॉक चुनना हो तो कैनरा बैंक को लॉन्ग किया जा सकता है, 205-206 के लेवल्स के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 200 के लेवल्स के नीचे, दैट मीन्स 199 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे तो भी चलेगा कैनरा बैंक के लिए। और ऊपर में टारगेट इसका मान के चले कि 10-15 रुपए की रैली हमको हो सकता है इस मूव के अंदर देखने को मिले। अगर बैंक निफ्टी अब अगर हाई तोड़ता है और 17,000 की तरफ जाता है तो कैनरा बैंक हमको 215-220 के लेवल्स तक देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक कैनरा बैंक को प्रेजेंट लेवल से अगर लॉन्ग कर सकते हैं 10-15 रुपए के टारगेट के लिए। और जहां तक आपका दूसरा सवाल था यूपीएल, UPL, yes, of course, strong लग रहा है चार्ट्स के ऊपर। लास्ट 6 months का जो भी इसने डाउनफॉल दिया उसको पूरा निगेट कर दिया और स्टॉक ने एक अच्छी खासी तेजी मेंटेन करी है लोअर लेवल से और 200 TMA के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। आई थिंक स्टॉक में इमीडिएटली देखेंगे तो और तेजी बन सकती है, 530 से 540 के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ये भी 510-505 के आसपास मिल जाता है तो अच्छा बाइंग लेवल होगा, नहीं तो प्रेजेंट लेवल्स पे भी लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। छोटा स्टॉप लॉस अगर किसी को लगाना हो तो 497-498 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इमीडिएट टारगेट ऑफ 540-550 लेवल्स के लिए। जी हां, और इस बीच आप देखिए एक लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार उत्तराखंड में जो अब स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, उस पर एक स्पष्ट इनफैक्ट मैंडेट आ गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति शासन हटाने को कहा है। पहले एक पॉलिटिकल ड्रामा चला, ऑलमोस्ट कई महीने तक चला, उसके बाद अगर आप देखें एग्जैक्टली वहाँ पर गवर्नर ने क्या कहा, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा और उसके बाद कोर्ट में मामला गया और अब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति शासन जो है वो हटाने को कहा है। इस खबर से मैं बाहर निकलता हूँ, एक महत्वपूर्ण खबर है इस वक्त की, लेकिन मैं कुछ और सरफ्ताओं को देख रहा था जिनमें आज अच्छा खासा मूव है। आप एक देखिए श्री इंफ्रा लगभग 4.5% ऊपर, लेकिन ये स्पेस में मोर लेस कैप्चर कर चुका हूँ, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियाँ, इक्विपमेंट फाइनेंस कंपनियाँ, मैं बात बहुत कर चुका हूँ। मैं थोड़ा सब्जेक्ट मैटर जो है अब वो ले जा रहा हूँ रिलायंस की तरफ। रिलायंस कल नतीजे आने हैं इसके, और दीपक इनफैक्ट काफ़ी समय से ये स्टॉक 50-60-70-80 रुपए के ट्रेडिंग गेन के लिए, आप देखें एक कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट बन गया है। रिजल्ट से पहले हम काफ़ी उत्साहित होते हैं, बाजार इसको एक्यूमुलेट करता है, एनालिस्ट की लॉबी एग्जैक्टली GRM से फोकस करती है, रिलायंस जियो के बारे में कुछ सुनना चाहती है। बट एट 1041 सर आपका आउटलुक क्या है, आप इसको कितना स्पेस देंगे अपने पोर्टफोलियो में, या ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में, या फिर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में? नहीं देखिए, रिलायंस काफ़ी कुछ अनसर्टेनिटी है एज फार एज लॉन्च ऑफ रिलायंस जियो इज कंसर्न, और जैसे जैसे डिले कर रहे हैं आई थिंक दैट इज क्रिएटिंग मोर अनसर्टेनिटी इन द स्टॉक। सो ऑल्दो इट्स अ ग्रेट कंपनी एंड डिसेंट पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक टिल इट्स नॉट क्लियर एज टू वॉट इज द इफेक्ट ऑफ रिलायंस जियो ऑन द परफॉर्मेंस एंड हाउ सक्सेसफुल इट इज एंड वेदर दे एबल टू मीट द टारगेट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट पॉजिटिवली। Till we don't have a fair understanding of those aspects, I think one could put reliance on hold at this point of time. There are many other stocks which can offer very good investment opportunity going forward. Or the expansion plans, I think they'll certainly will bear fruit. But I think in the immediate short term also, there may be some headwinds. जी, इनफैक्ट कुछ ही देर में इन हाउस रिसर्च एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे बताने के लिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की अर्निंग्स में एक्जैक्टली हाईलाइट्स क्या रह सकती है। HDFC बैंक को केन इंडिया की बातचीत करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया है जानने का कि 25 मिनट में कमाई का मौका कहाँ है। हर रोज रजत मौजूद होते हैं एक ऐसा स्टॉक लेकर, बताइए रजत कौन सा स्टॉक है? बिल्कुल, आज बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट थी और मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी कोई इतने दमदार रिटर्न्स नहीं मिले, लेकिन एक स्टॉक है ऑर्किड फार्मा, ऑर्किड केमिकल, जिसपे आज ट्रेंड पॉजिटिव है, अच्छी तेजी बनी और ये तेजी अभी और बढ़ सकती है। देखिए, एक तो वैसे ही फोकस है वो क्लियर कट मिड कैप स्मॉल कैप फार्मा स्टॉक्स पे है, लेकिन ये स्टॉक इंपॉर्टेंट ये है कि 250 दिन दोनों ही एवरेजेस के ऊपर टिकने में कामयाब रहा है।
बाजार की वोलेटिलिटी में भी अब इंपॉर्टेंट यह है कि 44, 43, 80, 44 के ऊपर जाके टके, उसके ऊपर जाके ट्रेड करना शुरू हुआ। अगर ऐसा कर देता है तो उसके बाद तेजी भी और बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि डेली वीकली चार्ट दोनों ही पॉजिटिव है और 200 DMA पड़ता है 4970 यानी कि 50 लेवल्स के आसपास, तो ये तेजी बढ़ सकती है। ऑर्किड फार्मा में इसको अपने रडार पर रखें, पिछला स्विंग हाई 44 को जैसी ब्रीच करता है तो ये काउंटर पे अच्छे खासे रिटर्न पोटेंशियल जनरेट हो जाएंगे। टारगेट ऑफ 47 का लेके चले इमीडिएटली और स्टॉप लॉस 42.5। चलिए करीब करीब 44-30 पे आप देखें, स्टॉक ऑलमोस्ट ये हाई पे कारोबार कर रहा है। शानदार स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो यहाँ पे टारगेट लगभग 47 का, लेकिन डेली पर आई मीन बेहतरीन चार्ट है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। 44-30 पे स्टॉक कारोबार कर रहा है दिन के सर्वोच्च स्तर पे। इस बीच कुछ ट्रेडर्स कॉस्ट देखते हैं। एग्जैक्टली अगर आप अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में शामिल करने के कुछ ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो SMC की राय है कि आप भारत फोर्ज खरीदिए, 840 के लक्ष्य के साथ स्टॉप लॉस 810 का रहेगा आपका। और इनकी जो दूसरी कॉल है इस वक्त की वो है ग्रैंड नूल्स इंडिया विद द पॉसिबल टारगेट ऑफ 133, स्टॉप लॉस करीब 125 रुपये का, छोटा ट्रेड है याद रखिए। और इनकी तीसरी कॉल है वो है कावेरी सीड्स 429 के स्तर पे, शानदार स्ट्रक्चर अभी करीब 9.5 रुपये ऊपर, 435 के लक्ष्य के लिए 414 के स्टॉप लॉस के साथ। इनफैक्ट अगर आप भी अपनी किसी ट्रेड के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना वो ट्रेड हमसे शेयर कर सकते हैं, हम उस पर शायद कोई आपकी मदद कर पाएँ, स्टॉप लॉस टारगेट्स मेंशन कर पाएँ। आप उस ट्रेड को आप हमें मेंशन करिए, आप हमें भेजिए 7840020000 इस पर भेज दीजिए, हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस बीच जरा एक बार कुछ वाइल्ड स्टॉक्स को देखते हैं जिनमें शार्प वॉल्यूम्स हैं और वॉल्यूम्स के साथ ट्रेडिंग बिहेवियर भी आप देखें आज डिफरेंट था। आज आप एक देखिए ट्रांसफॉर्मर एक्टिव फैस, इसका जिक्र दिवाली कर चुकी है, उससे आगे बढ़ता हूँ। फिर आप देखिए श्रेया शिपिंग, ये लगभग 337 के स्तर पे, और अगर आप देखें एक एलिम्बिक फार्मा को देख लीजिए 609 के स्तर पे कारोबार कर रहा है, करीब 6 लाख शुरू के कारोबार के बीच में। पंकज इनफैक्ट आर्चीज इसमें अच्छा मूव है, एमटेक ऑटो, फिर आप देखिए एलगी इक्विपमेंट्स, कुछ स्टॉक्स जो मिड कैप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आज दे रहे हैं अच्छे खासे मूव के साथ, इनमें से कोई स्टॉक आपके डार पे है? वीरेंद्र आई थिंक दिस इज मोर टू चेज विद द मोमेंटम। आई थिंक फंडामेंटल्स की बात करें, जो 3-4 स्टॉक्स आपने बात की, एमटेक ऑटो की बात की, आर्चीज की बात की, आई थिंक फंडामेंटल्स आर लॉट टू बी डिजायर्ड। खासतौर से एमटेक की बात करें, जिस तरह से इस स्टॉक में हमने देखी है फ्रॉम लेवल्स क्लोजर टू 200 टू लेवल्स क्लोजर टू 2025 एंड देयर आफ्टर वी आर सीइंग दिस बेबी मूव्स इन द स्टॉक। मैनेजमेंट पे काफ़ी सारी नेगेटिव प्रतिक्रियाएं पिछले दिनों आई हैं एंड इट इज़ टू बी सीन। तो मेरे को लगता है कि दीज में भी शॉर्ट लिव काइंड ऑफ मूव्स, और आर्चीज में भी मेरे को लगता है, तो आई थिंक दीज आर मोमेंटम काइंड ऑफ मूव जिसके अंदर एक स्टॉप लॉस के साथ काम किया जा सकता है, बट इन्वेस्टर्स अगर इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की बात करें तो आई थिंक दूर रहना चाहिए। जी चलिए अर्निंग्स की बात कर लेते हैं। अभी वीरेंद्र ने कुछ देर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का जिक्र किया था और नतीजों का अनुमान लेकर मेरे दो सहयोगी मौजूद भी हैं। संदीप हमारे साथ मौजूद रहेंगे जो कि आपको बताएंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और केन इंडिया, इन दोनों के अर्निंग्स कैसे रह सकते हैं, और अंचल हमारे साथ मौजूद है बताने के लिए कि HDFC बैंक के नंबर्स कैसे रह सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इनफैक्ट संदीप के पास। संदीप, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बताइए, क्या प्रोजेक्शंस हैं, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक कैसे अर्निंग्स रह सकते हैं? शुक्रिया दीपाली। देखिए सब्ड्यूड सेट ऑफ नंबर्स इस बार देखने को मिल सकते हैं। हम इसके नंबर्स जो हैं उसको स्टैंडर्ड बेसिस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं, उस लिहाज से देखा जाए इनका जो मुनाफा है उसमें करीब 4.25% के आसपास का जो डी ग्रोथ है वो इस बार देखने को मिल सकता है। वजह है रिफाइनिंग कारोबार जो कि सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है, 70-72% के आसपास की आय इनकी वहीं से आती है, और सिंगापुर अगर आप GRMs की बात करें तो वहां पे करीब $7.7 के आसपास के लेवल्स देखिए $8 के मुकाबले, तो वैसे रिफ्लेक्शन RL के नंबर्स में भी साफ तौर पे देखने को मिलेगा। दो मेन फैक्टर्स हैं इसमें, एक तो ATF और साथ ही साथ डीजल, इन दोनों के जो क्रैक्स हैं, ATF के क्रैक्स में 16% और डीजल के क्रैक में करीब 28% के आसपास की गिरावट आई है, जिसकी वजह से सिंगापुर GRMs में भी इंपैक्ट देखने को मिला है। हालांकि पेट्रोल के जो क्रैक्स है उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला था, 2-2.25% के आसपास का, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि रिलायंस की जो रिफाइनरीज हैं उसका जो स्लेट है वो मिडिल डिस्लेट हैवी है, तो उस लिहाज से देखा जाए शायद जितना गिरावट सिंगापुर रिफाइनिंग मार्जिन्स में देखने को मिला है उससे ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। तो $11.50 के आसपास के जो लेवल्स हमने पिछली तिमाही में देखे थे उसके मुकाबले $10.3 से $10.8 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो GRMs के फ्रंट पे ही कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं नंबर्स के ऊपर प्रेशर साफ तौर पे देखने को मिलेगा। लेकिन पेटकेम साइड ये अच्छा प्रदर्शन इस बार कर सकता है, एक तो वॉल्यूम्स में इस बार इजाफा देखने को मिलेगा और साथ ही साथ चूंकि नफ्ता के प्राइजेस काफी नीचे गिरे थे वो जो कि इनपुट होता है पेटकेम के लिए, इनके काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके जो मार्जिन हैं उसमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, तो ये कहीं ना कहीं जो रिफाइनिंग साइड की जो एक नेगेटिविटी आएगी नंबर्स में उसको काफी हद तक निगेट करेगी, जिसकी
वजह से मुनाफे में केवल 4.25% के आसपास का डेंट आएगा। ऑयल एंड गैस सेगमेंट की जहां तक बात है, वॉल्यूम्स में गिरावट लगातार केजीडीसी में हो रही है, जिस तरह से 1 अक्टूबर से प्राइसेस को नीचे की ओर रिवाइज किया गया था, इस सेगमेंट से भी खास ऐसा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगा। तो रिफाइनिंग हालांकि खराब होगा, पेटकेम थोड़ा सा उसे डिगेट करेगा, जिसकी वजह से मुनाफे में 4.25% के आसपास का डेंट आएगा। और नेट सेल्स की जहां तक बात है, 14.5% के आसपास की कमजोरी यहां भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल अगर आप क्रूड देखेंगे तो करीब 20-20% के आसपास की सिक्वेंशियल बेसिस पे ड्रॉप आया है। तो उस लिहाज से देखा जाए उसका नंबर्स पे इंपैक्ट साफ तौर पे देखने को मिलेगा और सबड्यूड सेट ऑफ नंबर्स से कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। जी तो ये बात रही रिलायंस की और नंबर्स को आपने समझा और संदीप ने बताया, लेकिन एक और बड़ा अगर आप देखें नंबर कराने वाला है और वो है HDFC। एग्जैक्टली HDFC बैंक जो है वो क्या करने वाला है इंडसइंड बैंक के बाद, अंचल से बात करते हैं। अंचल बताइए। शुक्रिया वरिंद्र। देखिए कहीं ना कहीं इंडसइंड बैंक के बाद अब HDFC बैंक के नंबर और क्रिटिकल हो जाते हैं, और अगर नंबर्स पे देखें तो NII में करीब 20.4% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है, और बैंक की जो NII वो करीब 7,240 करोड़ रह सकती है। लोन बुक में अच्छी इंप्रूवमेंट है, करीब 22% की इंप्रूवमेंट लोन बुक में देखी जा रही है। वहीं जो नॉन फी आए हैं वहां से भी करीब 19% का कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखेगा, तो एक हेल्दी सपोर्ट की वजह से NIIs इंप्रूव होती हुई दिखेंगी। वहीं उसके बाद अगर प्रोविजनिंग की बात करें तो प्रोविजनिंग के फ्रंट पे एक अच्छा सरप्राइज दिखा सकता है बैंक। इस बार बैंक की प्रोविजनिंग करीब 16% गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है और 550 करोड़ के आसपास रह सकती है। अगर ये आंकड़ा इससे बेटर आता है, यानी अगर 550 करोड़ से भी कम प्रोविजनिंग आती है, तो डेफिनेटली एक बूस्टर होगा मुनाफे के लिए। लेकिन हाँ, अगर प्रोविजनिंग बढ़कर आती है तो वो एक बहुत डैम्पनिंग इंपैक्ट डाल सकता है ओवरऑल नतीजों पे भी और शेयर प्राइस पे भी। मुनाफे की जहां तक बात है, एक तरफ प्रोविजनिंग घट रही है, वहीं दूसरी ओर जो टैक्स है वो टैक्स पे आउट करीब 30% बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा प्रोविजनिंग के घटने का नहीं मिलेगा इस बैंक को। मुनाफा भी 20% ही बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है और आंकड़ा 3,375 करोड़ के आसपास रह सकता है। असली ट्रिगर जो रहेगा वो रहेगा ग्रॉस NPS पे, जो एसेट क्वालिटी है। अनुमान ये है कि 0.97 से महज 0.98%, यानी बिल्कुल फ्लैट रह सकती है। फोकस करिएगा, अगर एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती है तो कहीं ना कहीं टर्न अराउंड देखने को मिलेगा। जी, इनफैक्ट मिस्टर टंडन, प्राइवेट बैंक्स में HDFC बैंक के अर्निंग्स कल आने हैं, लेकिन ड्यू अर्निंग्स हैं भी ICICI बैंक और एक्सिस बैंक के भी, तीनों में से आपको कौन सा बेटर प्लेस लगता है अभी? क्वालिटी देखनी है तो HDFC का सबसे बेहतर रहेगा, ये सब जानते हैं। लेकिन अगर आपको डेल्टा देखना है तो मेरे हिसाब से जो उम्मीद थी उससे बेस्ट बेहतर जो है वो शायद ICICI बैंक में आ जाए, क्योंकि जैसे हम लोगों ने कुछ देर पहले बात करी, उसमें काफ़ी सारे NPA जो उनको शायद इस बार लेने पड़ते हैं वो ना लेने पड़ेंगे। जी, चलिए इस बीच आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ICICI बैंक, देखते हैं आज का स्टार प्राइस परफॉर्मेंस 6.5%। लेकिन अब देखिए रिलायंस की बात करी है तो कीन को कैसे छोड़ दें, कीन को भी शामिल कर लेते हैं। संदीप, कीन से क्या एक्सपेक्टेशन है? और देखिए एक चीज़ ये भी है कि बहुत अच्छे खासे ट्रेडिंग गेन लेके स्टॉक बैठा हुआ है, क्या कोई ऐसा डिसअपॉइंटमेंट जिसके चलते सारे या फिर एक सिग्निफिकेंट पोर्शन उसका सरेंडर कर दें? डिसअपॉइंटमेंट ही होगा वीरेन, क्योंकि जिस तरह से क्रूड के प्राइसेस ने बिहेव किया है, Q4 में 20.5% के आसपास की गिरावट आई है और इसे हम क्रूड के प्रॉक्सी के तौर पे जानते हैं, तो जाहिर सी बात है नंबर्स के ऊपर इंपैक्ट साफ तौर पे देखने को मिलेगा। सिक्वेंशली इसके नंबर्स को भी कंपेयर करना ज्यादा मीनिंगफुल होगा, और अगर आप Q3 की भी बात करें तो आपको जरूर बॉटम लाइन के फ्रंट पे एक 8.7 करोड़ का मुनाफे का नंबर नजर आएगा, लेकिन उसमें एक टैक्स रिवर्सल शामिल था, क्योंकि ऑपरेशनल फ्रंट पे देखिए कंपनी ने कंसो बेसिस पे लॉसेस पोस्ट किए थे। ओवरऑल देखा जाए जिस तरह से क्रूड गिरा है, इनकी बिक्री में डेंट आना लाजमी है, 21% के आसपास का डेंट इनके नेट सेल्स में आएगा, 1600 करोड़ रुपए के आसपास के जो नंबर है हम ऐसा अनुमान करके चल रहे हैं, और चूंकि इनके जो एक्सपेंसिस है उनमें कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है एबिटडा में सेल्स से ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, करीब 51% के आसपास का एबिटडा में डेंट आएगा और 363 करोड़ रुपए के आसपास के जो नंबर्स हैं वो देखने को मिलेंगे, और यही कारण है कि इनके जो मार्जिन्स हैं उसके ऊपर भी प्रेशर साफ तौर पे देखने को मिलेगा, क्योंकि क्रूड जिस तरह से गिरा है, इनके जो रिलेशन है जो कि करीब $35 के आसपास रहे थे पिछली तिमाही में, वो घटकर करीब $29 के आसपास देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इनका जो ओवरऑल प्रोडक्शन है, चूंकि राजस्थान से प्रोडक्शन कम हुआ है, पिछली तिमाही में 202 KBPD के आसपास का था, वो एनालिस्ट ऐसा अनुमान कर रहे हैं कि शायद इस बार 197 KBPD के आसपास देखने को मिलेगा। तो एक तरफ क्रूड के प्राइसेस गिरे हैं, साथ ही साथ अगर वॉल्यूम्स में डेंट आता है तो उसका एक डबल इफेक्ट इनके नंबर्स में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से सभी पैरामीटर्स पे नंबर काफी खराब देखने को मिलेंगे। एक फैक्टर है इस बार जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, चूंकि ये Q4 है, लास्ट तिमाही है, तो इनके काफी सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो कि मैच्योर होते हैं, तो एनालिस्ट ऐसा मान रहे हैं कि इस बार जो अदर इनकम का आंकड़ा वो काफी बड़ा देखने को मिलेगा। पिछली तिमाही में करीब 142 करोड़ रुपए के आसपास की अदर इनकम थी, जो बढ़कर 220-225 करोड़ रुपए के आसपास इस बार देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से बॉटम लाइन को थोड़ा सहारा मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी बॉटम लाइन के फ्रंट पे एक देखने को मिलेंगे, 126 करोड़ रुपए के आसपास का जो लॉस है ये कंपनी इस बार पोस्ट करेगी, तो अन्याय का फिगर कहां पे आएगा उसके ऊपर खासतौर पे एनालिस्ट फोकस करेंगे।
जी चलिए शुक्रिया संदीप और अंचल आप दोनों का। तो तीन अर्निंग्स की अब तक हमने बात की, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और साथ ही केएन इंडिया की। इनफैक्ट पंकज में आरएल पर आपके कमेंट्स लोगे, लेकिन इस बीच हिंदुस्तान जिंक के भी अर्निंग्स आए हैं, इसलिए उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। जो प्रॉफिट्स हैं वो इम्प्रूव हुए हैं 1997 यानी 1997 करोड़ से बढ़कर जो मुनाफा है वो 2150 करोड़ के आसपास रहा है। रेवेन्यूज में एक डिप जरूर आया है और जो रेवेन्यूज हैं वो डिप हुए हैं। एबिटा में भी एक डिप देखा गया है और जो मार्जिन है वो 48.6% से कम होकर 41.8% के आसपास रहे हैं। पंकज हालांकि हिंदुस्तान जिंक पर भी साथ में आपका कमेंट लूंगी, मेटल्स के साथ कंसर्न्स बने हुए थे, लेकिन क्या ये फैक्ट ध्यान में रखते हुए कि ये जो क्वार्टर बीता है इसमें मेटल प्राइसेस में हमने ग्लोबली भी एक रिकवरी देखी है, जिंक प्राइसेस में भी एक रिकवरी दिखी है, तो क्या ये रिकवरी सस्टेन हो सकती है और गोइंग फॉरवर्ड अर्निंग्स इंप्रूव होती हुई दिख रही है आपको? देखो दीपाली, जिस तरह की अब टिप्पणी आ रही है, जिस तरह के ब्रोकरेज हाउसेज के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, क्रेडिट सोसाइटी की कल एक रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अब ऐसा लगता है, ऐसा अनुमान है कि मेटल प्राइसेस अब बॉटम आउट हो गए हैं, कमोडिटी प्राइसेस बॉटम आउट हो गए और आने वाले 2-3 तिमाही में एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकती है और उसकी रिफ्लेक्शन काफ़ी कुछ शेयर प्राइस मूवमेंट्स में आ चुकी है और मेरे को लगता है कि आने वाले वक्त में 1-2 क्वार्टर में आई थिंक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन, एक पॉजिटिव बाइस बनी रहनी चाहिए। सो गिवन अ चॉइस आई थिंक आई वुड स्टिल स्टे विद मेटल, चाहे वो हिंडालको हो, वेदांता हो, हिंदुस्तान जिंक हो, टाटा स्टील हो, टाटा स्टील के साथ कुछ और मुद्दे भी हैं, बट आई थिंक एक पॉजिटिव बाइस जो बनी हुई है वो मेरे को लगता है ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस शायद बनी रहेंगी। उसके अलावा रिलायंस की आप बात कर रही थी, आई थिंक रिलायंस में एक जो मुद्दा देखने वाला है, पिछले 2 क्वार्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स रिलायंस ने डिलीवर किए और उससे पहले जिस तरह के हम स्टॉक में मूवमेंट देख रहे थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट उससे पहले स्टॉक में देखी गई थी, उस लिहाज से इस बार हम देख रहे हैं काफ़ी स्लगिश मूवमेंट स्टॉक में देखने को मिल रही है। आई थिंक जिस तरह की मूवमेंट, इट इज़ नथिंग लाइक प्री रिजल्ट काइंड ऑफ मूवमेंट और उस चीज़ को अगर हम इस टेक्निकल्स और मोमेंटम के साथ जोड़े तो हो सकता है कि थोड़े से स्लगिश रिजल्ट्स मार्केट को देखने को मिले। चलिए इस बीच मैं एक दो स्टॉक्स का जिक्र करना चाहूंगा, हालांकि उससे पहले साक्षी से बात कर लेते हैं, कुछ बीटीएसटी ट्रेड्स को शामिल कर लेते हैं। साक्षी बताइए। शुक्रिया वीरेन, शुरुआत करेंगे निकिता सुरेखा की बीटीएसटी ट्रेड्स के साथ। आरो फार्मा पर खरीदारी की सलाह दे रही है, टारगेट बताया 785 का और स्टॉप लॉस हम नीचे में लगा सकते हैं 760 का। इसके अलावा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर भी ये बुलिश ट्रेड रेकमेंड कर रहे हैं, टारगेट बताया 475, स्टॉप लॉस हमें नीचे में 460 का लगाना होगा। स्वाति होटकर की तरफ से अगली ट्रेडिंग आइडियाज दे रहे हैं वो, श्री इंफ्रा पर उन्होंने बीटीएसटी ट्रेड रेकमेंड किया है, टारगेट बताया 68 का और स्टॉप लॉस हमें नीचे में लगाना होगा 61 का। इसके अलावा आइनॉक्स लेजर पर भी ये पॉजिटिवली ही बेट कर रहे हैं, टारगेट बताया 214 का और स्टॉप लॉस हमें नीचे में लगाना है 205 का। इसके अलावा मानस जायसवाल ने भी अपनी बीटीएसटी ट्रेड रेकमेंड किए हैं, कोल इंडिया पर ये बुलिश है, टारगेट उन्होंने जो बताया है 294 के और स्टॉप लॉस हमें नीचे में लगाने हैं 282 के। इनकी जो आखिरी बेट है वो बैंकिंग स्पेस है, पंजाब नेशनल बैंक पर है, टारगेट्स बनाया 93 के लिए। बीटीएसटी ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाना होगा 87 का। ओके, अगर आप देखें कुछ ट्रेड्स है जहां पर आप काम कर सकते हैं बीटीएसटी ट्रेड के तौर पर, लेकिन मैं टनल साहब एक दो स्टॉक्स और आपसे पूछना चाहूंगा जिन्होंने क्रूड की गिरावट का फायदा उठाया था। सीधे सीधे अगर आप देखें पेंट स्टॉक्स का हम नाम ले सकते हैं और आप देखिए बजर पेंट्स, एशियन पेंट्स दोनों ही क्वालिटी स्टॉक्स हैं, हायर लेवल्स पर सस्टेन कर रहे थे और अभी भी हायर लेवल्स पर सस्टेन कर रहे हैं। बीच में एक दो हाउसेस ने कहा भी था कि भाई जो एडवांटेज था वो आपको मिल चुका है, दैट्स इनफ फॉर द मोमेंट। उसके बाद एशियन पेंट्स गिरा भी था, आई थिंक वो नमूरा ने टिप्पणी करी थी, लेकिन आप देखिए स्टॉक फिर एक बार उस ट्रेजेक्ट्री को रिगेन करके अपने ट्रेडिंग करियर के ऑल टाइम हाई के बेहद नजदीक खड़ा है। आप सर इन दोनों स्टॉक्स पे क्या आउटलुक रखते हैं पेंट स्टॉक्स पे? मेरे हिसाब से जैसे आपने कहा कि जो अंडर वैल्यूएशन था वो शायद निकल चुका है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, दोनों अच्छी कंपनियां हैं इसलिए मार्केट के हिसाब से ग्रो करेंगी। तो इस वक्त अगर आप कहें तो मार्केट के हिसाब से ही शेयर के दाम भी चलने चाहिए, तो इट कैन बी एट बेस्ट अ मार्केट परफॉर्मर। हालांकि इसका वैल्यूएशन अभी फिलहाल स्ट्रेस्ड है, लेकिन इसमें आउट परफॉर्मेंस होना यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल दिखता है। जी दीपन, अगर ऑटो पॉकेट की बात करें तो फोर व्हीलर और टू व्हीलर अगर दोनों में ही कंपैरिजन करें तो ज्यादा कंफर्ट आपको कहाँ दिख रहा है? क्या टू व्हीलर स्टॉक ज्यादा अप्रोचेबल अभी नजर आते हैं वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से, मॉनसून अच्छा रहने का जिस तरह से अनुमान है उस लिहाज से? आई थिंक दैट फोर व्हीलर्स हैव डन वेरी वेल ओवर द पास्ट 12-15 मंथ्स और सो, or two wheeler stocks especially Hero MotoCorp, usual disclosure that we and our clients have invested in it, as well as Aisha Motors I think look quite interesting, another disclosure required over there as well. So my sense is that maybe you'll have some outperformance coming in from the two wheelers this time as compared to four wheelers, but agar aap dekhenge to pura auto sector mein kafi achhi companies hai, even commercial vehicle companies are doing very well over there, four wheelers, two wheelers,
and you know, even the other companies which have got, like Mahindra, which have got agro division, they're all doing very well. So this is one sector, you know, which looks set for outperformance over the next 12 months or so, and investors could look at the sector quite positively and look at an overweight position over there. Pankaj, in fact, M&M is dort mein agar aap dekhen sabse zyada agar aap dekhe piche reh gaya, halanki pichle 2-3 din mein jab monsoon ke aankde aaye the, met ki tippni aayi thi, uske baad stock chala, lekin fir aap dekhe 1300 ki trajectory mein jaake thoda sa stock dheela pad gaya hai. Aapki choice kya hai aur kya risk reward ratio ko dekhte hue, acche monsoon ke predictions ko dekhte hue aur inki farm equipment division mein strong presence ko dekhte hue, aap M&M pe daav lagana chahenge Pankaj? वीरेंद्र, एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि डेफिनेटली आई थिंक अगर हम इस बात को मान के चलें कि अच्छी मानसून आएगी और जो फार्म डिवीजन है, ट्रैक्टर डिवीजन है, उससे M&M को काफ़ी फायदा होगा. वैल्यूएशन वाइज M&M काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है, बट आई थिंक काफ़ी एक इश्यूज़ हैंगे. एक जो बड़ा इशूज़ है डीजल व्हीकल को लेकर, NCR रीजन में सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियाँ हैं ऑर्डर रहेगा उसको लेकर, आई थिंक एक प्रश्न चिन्ह बना रहेगा. तो आई वुड स्टिल प्रीफर टू स्टे विद द विनर, और मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में विनर हीरो मोटो और मारुति है. मारुति जबकि काफ़ी करेक्ट हुए 4700-4800 से करंट लेवल्स पे हुआ है, बट अगर हम देखें जिस तरह की परफॉर्मेंस है, उनके पास 50% से अधिक मार्केट शेयर रहेगा, एंड आई थिंक इट वाज मोर टू डू विद द येन इफेक्ट एंड द करेक्शन इन द मार्केट रादर देन परफॉर्मेंस ऑफ द मारुति. और मेरे को लगता है अल्टीमेटली परफॉर्मेंस मैटर्स, और मेरे को लगता है कि आने वाले वक्त में मारुति अच्छी तरह उभर के आना, जिस तरह से नए मॉडल्स लॉन्च किए उन्होंने अपना बलेनो में, 5-6 महीने की वेटिंग चल रही है, तो आई थिंक दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स विच वुड मैटर. और आने वाले वक्त में अगर मॉनसून अच्छी होती है तो आई थिंक आई वुड स्टे विद टू व्हीलर सेगमेंट, और उसके अंदर हीरो मोटो मेरा प्रेफर्ड चॉइस रहेगा रादर देन बजाज ऑटो. जी, इस बीच आप देखिए, मैरिको की बात मैं कुछ देर पहले कर ही रहा था, और इसने अपने ट्रेडिंग करियर का अब तक का सबसे सर्वोच्च स्तर छुआ, यानी आज का हाई 260.75 रुपये, ये इसके ट्रेडिंग करियर का अब तक का सबसे शानदार स्तर है. और देखिए, मैरिको को मैं बार बार इस चर्चा में शामिल इसलिए करता हूँ, या फिर एक बेहतरीन स्टॉक की श्रेणी में इसलिए लाता हूँ, क्योंकि देखिए, जहाँ एक तरफ ITC काफ़ी ट्रबल फेज से गुजरा, 360 का हाई, फिर 290 का लो, बजट के दिन 282 का लो, फिर पुल बैक किया 330, फिर सिगरेट ऑपरेशन कमेंसमेंट के बाद फिर स्टॉक चला, वॉलिटिलिटी काफ़ी रही है ITC में, HUL में, डाबर में भी अगर आप देखें, पतंजलि से सीधा सीधा अगर आप देखें, प्रतिस्पर्धा के चलते बाजार काफ़ी परेशान हुआ है डाबर को लेकर, लेकिन एक सेकुलर रन इस स्टॉक ने दिया है. आप देखिए, मैं कोट कर रहा हूँ, फरवरी 2014 में इसका प्राइस लगभग 80-90 रुपये हुआ करता था, आज 260 अप्रैल 2016 में आप खड़े हैं. आनंद जी, आप मेरिको को लेकर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? आई थिंक कोई वजह नजर आती है आपको कि इतने स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स के बाद अब इसको कैश में कन्वर्ट कर लें, या फिर नहीं अभी होल्ड करके, अभी ये स्टॉक और रखने लायक है कुछ समय अपने पोर्टफोलियो में? फिलहाल देखिए, अगर FMCG में निवेश करना है तो बहुत कम ऐसे स्टॉक हैं जहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं और जहाँ पे ग्रोथ अभी भी बरकरार है. तो ब्रिटानिया एक होगा शायद, यू नो, मैरिको जैसे आपने कहा, शायद वो एक हो सकता है. तो फिलहाल डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से मैरिको रखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सबके वैल्यूएशंस जो हैं थोड़े से स्ट्रेस्ड लग रहे हैं इस वक्त. जी सुमित, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग ट्रेड जो आप इन अंतिम मिनटों में बनाना चाहेंगे कल के लिए? डाबर को प्रेजेंट लेवल्स पे शॉर्ट कर सकते हैं, 268-269 के लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है. इसके अंदर तेजी के बाद एक ऊपर में एक टॉप लग रहा है, टॉप बना है ऐसा लग रहा है. ये जब तक आप दोबारा 274-275 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसके अंदर एक बार शॉर्ट साइड पे रहना चाहिए. 268-269 का लेवल्स पे शॉर्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर टारगेट मान के चले आप इमीडिएटली 260 या फिर शायद उसके नीचे 255 के लेवल्स भी इसके अंदर हमको देखने को मिल सकते हैं. तो शॉर्ट साइड के अंदर डाबर का ट्रेड रहेगा. और अगर लॉन्ग किसी को करना हो तो आई थिंक PSU बैंक्स के अंदर PNB को भी एक लॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक ने ओवरऑल एक तेजी दिखाई है. तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग के अंदर अभी 1-2 दिन के अंदर और तेजी देखने को मिल सकती है. तो अगर किसी को लॉन्ग करना हो तो PNB को लॉन्ग करें 88 के लेवल्स पे, 84.50 का स्टॉप लॉस लगाए, और ऊपर के अंदर टारगेट 94-98 अगले 2-4 ट्रेडिंग सेशन में हमको देखने को मिल सकते हैं. आज अगर आप देखें सबसे डिसाइसिव और क्लियर कट मैंडेट वाला कोई मूव था तो वो था निफ्टी बैंक का. याद रखिए, इस क्लोजिंग के साथ अगर ये इस जोन में भी आती है 16615 के स्तर पे, दैट मीन्स आज एक काफ़ी बड़े अंतराल के बाद, आई थिंक अक्टूबर के बाद पहली बार निफ्टी बैंक इज क्लोजिंग अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. और देखिए, इस
इस ब्रेकआउट को बाजार ने रिस्पेक्ट भी दी है. क्यों? क्योंकि अगर आप आज का इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट देखें, 2,84,000 शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़े, तो काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ है. और मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मैं आपके साथ इस वक्त ऑप्शंस के आंकड़े डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी ऑप्शंस चेन यहाँ इनफैक्ट खुल चुकी है. माफ कीजिएगा. देखिए आज क्या हुआ, इस ब्रेकआउट को, इस 200 डेमा के ऊपर निकलने के मूव को बाजार ने कितनी रिस्पेक्ट दी है, ट्रेडर्स ने कितनी रिस्पेक्ट दी है. आज आप देखिए कि 16,500 का कॉल राइटर डिसाइसिवली बैकफुट पे आया है. 1,58,000 शेयर घटे ओपन इंटरेस्ट में. और अच्छी बात यह है कि आज इसके बाद तमाम 16,600, 16,700, 16,800, 16,900, 17,000 तक काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग है. मैं ये नहीं कह सकता कि 17,000 यानी यहां से 300 पॉइंट और नीचे कोई कॉल राइटर हावी है. कन्विंसिंगली कोई कॉल राइटर नहीं है, एटलीस्ट आगे की 3 स्ट्राइक तक. और अगर आप पुट्स को देखें तो 16,500 पे, ये देखिए 5,500 के मल्टीपल पे चलता है ये, 16,500 की पुट में आज यानी 200 डेमा के 120.2 पर 16,380 200 डेमा है. आज अच्छी पुट राइटिंग हुई है, 2,00,000 शेयर बिके हैं और आउटस्टैंडिंग ओआई एट 16,500 वो 3,25,000 है. तो अच्छी क्लोजिंग निफ्टी बैंक ने दी है जो एग्रीगेट स्टैटिस्टिक्स हैं इसके इर्द गिर्द, ऑप्शंस के, आईवीज के और फ्यूचर्स के, वो काफ़ी अच्छे खासे हैं, स्पेशली द 200 डेमा. खैर हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं. आपकी स्क्रीन पर निफ्टी ग्राफ करीब देखें, 16 अंक नीचे रहा. बस थोड़ी सी मायूसी इस बात की है कि एक ऐसे दिन जब निफ्टी बैंक ने शानदार एक प्राइस बिहेवियर दिखाया, निफ्टी का उस दिन बैकफुट पे खड़ा होना थोड़ा सा खल रहा है. 16 अंक नीचे और 9 अंक नीचे सेंसेक्स बैकफुट पे था. आज अल्ट्राटेक सीमेंट BHL 4 रुपये नीचे 128.90 के स्तर पे. ACC 38 रुपये नीचे रहा 1429 पे. अमूजा सीमेंट्स लगभग 5.25 रुपये नीचे रहा. लेकिन फ्रंटफुट पे आज आके पारी खेली ICICI बैंक ने 13 रुपये ऊपर, शानदार क्लोजिंग तरफ बढ़ता हुआ. PNB लगभग 4 रुपये ऊपर 88.35 पे. फेडरल बैंक करीब 45.90 के स्तर पे. कैनरा बैंक लगभग 205 के स्तर पे. और साथ ही साथ अगर आप देखें, आज हमारा थीम थी, सुबह 8 बजे पकड़ी थी हमने, आज PSU स्टॉक्स पे जम के दाव लगाई. STC 106 लगभग 5% ऊपर, REC 5% ऊपर, चेन्नई पेट्रो 5% ऊपर, MMTC 1% ऊपर, कोल इंडिया ग्राफ देखें 3% ऊपर. लेकिन हमने ज्यादातर एम्फेसाइज शुरुआती 3 स्टॉक्स पे किया था. इक्विटास शानदार लिस्टिंग, आई मीन 30% ऊपर, हालांकि शुरुआती टिक्स में लगभग 32% ऊपर था. जयंत भारत, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स, SPML इंफ्रा और TG पावर सिस्टम, ये कुछ काउंटर जहां पर आज शानदार मूव देखने मिले. उसके बाद इनफैक्ट मार्केट्स क्लोज हो चुके हैं. निफ्टी ग्राफ देखें, एक 17 अंकों की कमजोरी के साथ लगभग 1.5% नीचे और सेंसेक्स लगभग 19 अंक नीचे खुला. लेकिन आज का क्लियर कट अगर आप देखें, जो मैंडेट था तेजी के साथ जो स्पेस चल रहा था वो था बैंकिंग, नो डाउट. दीपन, मैं आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे, बैंकिंग की आज की ये क्लोजिंग खबर भी थी, खबर के साथ टेक्निकल ग्राउंड पे भी, खबर के साथ ऑप्शंस ग्राउंड पे भी काफी अच्छी खासी क्लोजिंग निफ्टी बैंक ने दी है. निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच या फिर आउटलुक क्या रहेगा, स्पेशली आई मीन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, अब इस क्लोजिंग के साथ? देखिए, आई थिंक शॉर्ट टर्म PSU बैंक्स आर सडनली शोइंग अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी. कारण भी आ गए हैं एंड मे बी दिस टाइम क्वार्टरली नंबर्स में जस्टिफाई स्लाइट बम्प इन PSU स्टॉक्स. लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, छोटे इन्वेस्टर के लिए बात कर रहे हैं, आई थिंक दे आर बेटर ऑफ इन दी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. वी हैव सीन स्टॉक्स लाइक इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, येस बैंक डिलीवर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस एंड वेरी गुड रिटर्न्स ओवर द पास्ट सेवन ईयर्स. They continue to remain in secular growth mode. So my sense is that the for the long term, it's better to be with the private sector banks. But there is some merit in PSU banks for the short term. काफी हद तक गिरावट आई है उनमें. Definitely a trading bounce is around the corner, and that's what we are seeing also today. चलिए, शुक्रिया दीपन आपका भी, आनंद जी आपका भी, पंकज और सुमित आप चारों का शो में शामिल होने के लिए, मार्केट्स पर सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए.